पीआरबी स्टडी पॉइंट इस यूट्यूब चैनल पे आपको इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन इन दोनों सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उन सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ाना चालू है। इन दोनों सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप नए वीडियोस देखना चाहते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चैनल पे आने वाले नए वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल ए ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड वेलकम टू द ट्यूटोरियल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने लॉसेस जो होते हैं डीसी मशीन में या फिर डीसी मोटर में, वो हमने देख लिए थे। तो उसके बाद हमने देखा था पावर स्टेजेस में किस तरीके से, किस जगह पे कौन से लॉसेस होते हैं। अब ये जो ट्यूटोरियल है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं एफिशिएंसी ऑफ अ डीसी मोटर। डीसी मोटर की एफिशिएंसी का जो इक्वेशन है वो किस तरीके से निकालना है वो हमें देखना है। सो इन जनरल अगर बात करें तो जो इफिशियंसी होती है किसी भी मशीन की, वो एक रेशो होता है पावर आउटपुट का टू द पावर इनपुट। तो अगर इन जनरल लिखना है तो इफिशियंसी ये हो गई ईटा। इफिशियंसी को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो इफिशियंसी का जनरल फॉर्मूला क्या है? पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। अब इफिशियंसी जो होती है वो परसेंटेजेस में होती है, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से। तो अज्यूम करते हैं पी आउट, यानी कि हमें मोटर का निकालना है तो मोटर से ही हम रिलेट करके इसको अज्यूम करेंगे। तो पी आउट मतलब पावर आउटपुट फ्रॉम डीसी मशीन। और पी इन मतलब अज्यूम करेंगे पावर इनपुट टू अ डीसी मशीन। पी आउटपुट मीन्स पावर आउटपुट फ्रॉम अ डीसी मशीन एंड पी इनपुट मीन्स पावर इनपुट टू अ डीसी मशीन। और पी इनपुट मतलब क्या होगा? पावर के पावर जो आउटपुट हमें मिल रहा है, पावर जो आउटपुट में मिल रहा है उसके साथ अगर हम लॉसेस को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इनपुट, ऑब्वियसली, क्योंकि जो इनपुट दे रहे हैं और जो प्रोसेस में जो लॉसेस हो रहे हैं उन लॉसेस को माइनस करके हमें आउटपुट मिलेगा। तो इन आउटपुट में लॉसेस को ऐड कर देंगे तो हमें क्या, कौन सी वैल्यू मिलेगी? पावर इनपुट की। तो लॉसेस जो होते हैं इज इक्वल टू, कौन से लॉसेस होते हैं? कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस। तो कॉपर लॉसेस मतलब कौन से पावर लॉसेस? पी सी यू, इसको डिनोट करते हैं पी सी यू। और ये हो गए पी आई, यानी कि आयरन लॉसेस, आयरन का आई। अब हम क्या करेंगे? हम जो है निग्लेक्ट करते हैं बाकी के लॉसेस, क्योंकि वो उनका जो मैग्नीट्यूड होता है बाकी के लॉसेस, जैसे मैकेनिकल लॉसेस, स्ट्रे लॉसेस वगैरह, तो उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ही कम होता है। इसीलिए इन दोनों के मुकाबले उनका मैग्नीट्यूड कम होने की वजह से हम उन लॉसेस को जो है निग्लेक्ट कर देंगे। सो देयरफॉर इफिशियंसी जो है उसका फॉर्मूला आएगा पी आउट अपॉन पी आउट प्लस पी इनपुट इनटू 100। तो पी आउटपुट अपॉन पी आउटपुट प्लस ये जो कॉपर लॉस है वो एंड आयरन लॉसेस है वो, तो ये ऐड हो जाएंगे आउटपुट के साथ। तो तब हमें मिलेगा पावर इनपुट, पावर इनपुट दैट इज पी आउटपुट प्लस लॉसेस। कौन से
कॉपर लॉसेस एंड आयरन लॉसेस. तो ये हो गया पी इनपुट और पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट, यानी कि इनपुट की ये जो है इतनी टर्म है ये आएगी. सो लेट अस कंसिडर डीसी जनरेटर फॉर विच पी आउट इज इक्वल्स टू वी आई. तो पी आउटपुट जो है डीसी जनरेटर के लिए अगर कंसिडर करें तो पी आउटपुट इज इक्वल्स टू वी इंटू आई. तो PCU जो है हमारा कॉपर लॉसेस वो क्या आएगा, आई ए स्क्वायर आर ए इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर ए, क्योंकि जो आई ए है वही हमारा आई है और इसीलिए हेंस जो इफिशियंसी है दैट इज वी आई अपॉन वी आई प्लस आई स्क्वायर आर ए प्लस पी आई इंटू 100. ये आएगा पी आउटपुट की जगह ये रख दिया और पी इनपुट की जगह सॉरी कॉपर लॉसेस की जगह ये वैल्यू रख दी एज इट इज. पी आउटपुट की जगह वी आई अपॉन वी आई प्लस आई आई स्क्वायर आर ए ये वाली वैल्यू और फिर ये पी आई की वैल्यू. इसीलिए या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका और फॉर्मूला आएगा इफिशियंसी इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 1 प्लस आई आर ए अपॉन वी प्लस पी आई अपॉन वी आई, ये टर्म आ जाएगी. एक तो ये फॉर्मूला आएगा इफिशियंसी का, या फिर 100 जो है हमने यहाँ पे ले लिए और इसको जो है सिंप्लीफाई करके ये आ गया 1 प्लस आई आर ए अपॉन वी प्लस पी आई अपॉन वी आई. और इसके बाद हमें देखना है कंडीशन जो होती है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए वो क्या होती है. तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कौन सी कंडीशन होती है. सो द मैक्सिमम एफिशिएंसी कैन बी ऑब्टेन ओनली व्हेन द डिनोमिनेटर इज मिनिमम. तो जब डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी यानी कि लॉसेस की वैल्यू जो है वो कम होगी मिनिमम होगी तभी जो है एफिशिएंसी हमें ज्यादा मिलेगी ऑब्वियसली. तो इसीलिए डी अपॉन डी आई इसको डिराइव करना है. पी आई अपॉन वी आई इज इक्वल्स टू जीरो और आर ए अपॉन वी माइनस पी आई अपॉन वी आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं पी आई अपॉन इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर ए प्लस इज इक्वल्स टू पी सी यू. तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये मिला और इट कैन बी Concluded from equation this. इस equation से जो है हम ये conclude कर सकते हैं that when that the maximum efficiency for a DC machine can be obtained when P I is equals to P C U, यानी कि जब हमारे iron losses copper losses के equal होंगे तब हमारी जो maximum efficiency है वो हमें मिलेगी. इस तरीके से ये मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जो कंडीशन है ये हमने देख ली और उसके साथ साथ एफिशिएंसी जो होती है मोटर की वो भी हमने देख ली. तो ये हो गया हमारा एफिशिएंसी ऑफ मोटर. तो ये तो हो गई हमारी एफिशिएंसी. अब इसके बाद हमें डीसी मोटर के स्टार्टर्स के बारे में पढ़ना है तो वो हम देखेंगे इसके बाद वाले ट्यूटोरियल.